हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्केल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में, कि वाल्व क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या मटेरियल होता है, क्या उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन होती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहां से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट। गाइस, बात करते हैं व्हाट इज वाल्व, वाल्व क्या है। तो वाल्व गाइस आप देखेंगे, वाल्व क्या है, वाल्व इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो एंड प्रेशर विद इन अ सिस्टम और प्रोसेस। गाइस, वाल्व क्या होता है, वाल्व एक ऐसा मैकेनिकल इक्विपमेंट, ऐसे मैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो फ्लो होता है हमारा, फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो को स्टॉप कर सकते हैं, फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाल्व का प्रयोग करते हैं। वाल्व का प्रयोग ज्यादातर जो है लिक्विड है, गैसेस है, वेपर है, स्लरीज है, इन सभी के फ्लो को रोकना है या फ्लो को बहने देना है या फ्लो को कंट्रोल करना है या डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वाल्व का प्रयोग करते हैं। वाल्व जैसे कि आपने घरों में देखा हो कि जो टैप होती है, टैप को हमें अगर पानी पानी का फ्लो बहने देना है तो टैप को ओपन करते हैं, नहीं अगर फ्लो को रोकना है तो टैप को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज में भी जो फ्लो होते हैं हमारे, अलग अलग तरह के फ्लोस हैं, उसको कंट्रोल करना है, फ्लो को बहने देना है या फ्लो को स्टॉप करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, सो वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वाल्व इन आवर इंडस्ट्रीज, राइट। सो नेक्स्ट इज अ फंक्शंस ऑफ वाल्व। अगर हम फंक्शंस की बात करें, उसके वर्किंग फंक्शंस की बात करें, तो क्या काम करते हैं, तो हम वाल्व के थ्रू स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग द फ्लो, फ्लो को हम स्टार्ट करते हैं और फ्लो को हम रोकते हैं, फ्लो को बहने की परमिशन देते हैं और फ्लो को कंट्रोल यानी फ्लो को रोकते भी हैं, एंड रिड्यूस और इंक्रीज अ फ्लो, फ्लो को जो है फ्लो को ज्यादा फ्लो कराना है या फ्लो को कम कराना है, तो फ्लो को यानी फ्लो जो है उसका जो बहने की स्पीड है उसको, जो लिक्विड है या गैसेस है कोई भी फ्लूड है उसको उसको कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, एंड कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर हमें डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन को चेंज कराना है, अभी स्ट्रेट लाइन में फ्लो जा रहा है उसको फिर हमें परपेंडिकुलर लाइन में अगर हमें फ्लो को लेना है, तो उसके लिए भी हम अलग अलग तरह के डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ रेगुलेट द फ्लो प्रोसेस, फ्लो और प्रोसेस प्रेशर, और हम प्रोसेस के जो प्रोसेस प्रेशर वगैरह उसके फ्लो को भी हम कंट्रोल करते हैं, एंड रिलीव पाइप, पाइप सिस्टम ऑफ अ सर्टेन प्रेशर। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए हम ज्यादातर मोस्टली वाल्व का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में ही आप देखेंगे अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, तो वर्किंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लोव वाल्व का एग्जांपल है। देखिए, ये फ्लो है और जैसे ही इसका जो वाशर है, इसका डिस्क वाशर है, जैसे यहाँ पर देखिए नीचे जो इसकी सीट रिंग होती है, इसकी रिंग पे आके जैसे क्लोज करेगा तो कि फ्लो क्लोज हो गया, और जैसे ये ओपन होगा तो फ्लो यहाँ से रिंग सीट रिंग के थ्रू ओपन होके और वापस आगे फ्लो होने लगता है। तो इस तरह से ये फ्लो को स्टॉप और फ्लो को बहने के लिए हम ये ग्लोव वाल्व का काम करते हैं। तो इस तरह से ये वाल्व जो है हमारा ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाल्व। अगर हम वाल्व की कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो आप यहाँ पर एक ये देख सकते हैं 3D मॉडल है जिसमें इंटरनल कट सेक्शन 3D दिखाया है, इसके इंटरनल पार्ट्स क्या है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या होती है इसमें, एंड यहाँ पर एक आप इसका कट सेक्शन व्यू भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्लोज पोजिशन है एंड इट इज ओपन पोजिशन। जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 नंबर पोजिशन क्या है, देखिए यहाँ सीट रिंग, तो सीट रिंग देखिए यहाँ पर सीट रिंग, अभी ये सीट रिंग है, और ये 4 पोजिशन देखिए, तो अगर 4 बुक की बात करें, देखिए यहाँ पर ये डिस्क है, तो जो डिस्क होती है, ये डिस्क जो है आपका, डिस्क जैसे सीट रिंग पे यहाँ ओपन पोजिशन में देखिए सीट, जो सीट रिंग से डिस्क ऊपर की तरफ है, तो ये ओपन अभी फ्लो आएगा, ओपन यहाँ से फ्लो बहने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखिए, तो ये सीट जो डिस्क है हमारी, यहाँ डिस्क वाशर है, ये सीट रिंग पर आके क्लोज कर दिया, तो फ्लो आके यहाँ पर आपका रुक गया है। तो इस तरह से ओपन एंड क्लोज कंडीशन है ये वाल्व की, और इसके इंटरनल पार्ट्स हैं, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इसकी तरफ बना सकते हैं पूरा कंप्लीट, इसकी जो कंस्ट्रक्शन और पार्ट्स नेम क्या है। ये ग्लोव वाल्व का मैंने आपको कट सेक्शन और इसके पार्ट्स नेम दिखाए हैं, जैसे बॉडी बोनेट गैसकेट्स, ये जो नंबरिंग्स दिए हुए सेम नंबरिंग्स यहाँ इस फिगर पे भी मेंशन किए, तो वहां पर आप उसको आइडेंटिफाई
कर सकते हैं, फोर इंच डिस्क, डिस्क लॉकनर, डिस्क वॉशर, स्टीम, बैक सीट पैकिंग, ग्लैंड फ्लोर, सेट स्क्रू, स्टीम नट, हैंड व्हील्स। तो ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है वाल्व की। नेक्स्ट इज एक और फिगर के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं, और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस फिगर को भी ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। कंप्लीट सेम इसमें भी उसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वाल्व की दिखाई गई है। नेक्स्ट इज मटेरियल। मटेरियल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो काफी अलग अलग तरह के मटेरियल में हम वाल्व यूज करते हैं। लाइक सबसे ज्यादा जो देखा आपने कास्ट आयरन के वाल्व हम ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे और भी हम सभी अलग अलग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के वाल्व को प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो हम बात करें अगर कास्ट आयरन की वाल्व है तो आप ये देख सकते हैं कास्ट आयरन के वाल्व होते हैं। दिस इज मेनली यूज फॉर कॉम्पेरेटिवली लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। जिस तरह के जो कास्ट आयरन के जो वाल्व होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। एंड नेक्स्ट इज डक्टाइल कास्ट आयरन। डक्टाइल कास्ट आयरन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो वाल्व है ये डक्टाइल कास्ट आयरन के वाल्व है, और इस तरह के जो वाल्व है ज्यादातर हम स्टीम, वाटर, गैस एंड ऑयल पाइपलाइन के सिस्टम में हम इसका जो है हाई परफॉर्मेंस, जहाँ टेम्परेचर भी अगर हमें थोड़ा ज्यादा भी टेम्परेचर है या प्रेशर ज्यादा है तो वहां पर भी हम इस तरह के डक्टाइल कास्ट आयरन के वाल्व का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्टेनलेस स्टील। आप देख सकते हैं ये जो वाल्व है ये स्टेनलेस स्टील के वाल्व है, और ये जो स्टेनलेस स्टील का जो प्रयोग करते हैं वहां करते हैं जहां पर हमें रस्ट यानी जंग क्रोजन से प्रिवेंट करना होता है अंदर। जस्ट जैसे हमारे ऑपरेशन में कोई जो फ्लूड जो फ्लो हो रहा है उसके साथ कोई जंग या मॉइस्चर वगैरह रस्ट वगैरह ना लगे वहां पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम स्टेनलेस स्टील के वाल्व यूज करते हैं मोस्ट ऑफ थिंग्स। इस तरह के वाल्व पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, वाटर प्लांट्स वगैरह में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आप देख सकते हैं ये जो वाल्व है ये ब्रॉन्ज मेटल के वाल्व है, और ये जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज एक अलॉय है जिसमें कॉपर, जिन, टीन, जिंक और लेड का मिक्सचर के साथ हम अलॉय बनाते हैं जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। और ये जो इस तरह के वाल्व होते हैं ये जो वाल्व है जंग वगैरह और मशीनेबिलिटी के लिए ज्यादातर सुटेबल्स होते हैं, और ये ज्यादातर मीडियम लो प्रेशर और जो लो प्रेशर एंड लो फ्लो के लिए हम इस तरह के वाल्व का यूज करते हैं। ज्यादातर ये आपने छोटे छोटे वाल्व देखे होंगे घरों वगैरह में या पाइपलाइन से, वाटर पाइपलाइन से है तो उन छोटे छोटे मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई फ्लो के लिए हम इस तरह के वाल्व का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट इज अ ब्रास। ब्रास भी सेम जैसे ब्रॉन्ज ही होते हैं उसी तरह के वाल्व होते हैं, बट ये जो इकोनॉमिकली अगर हम बोले ब्रॉन्ज से ये ज्यादा सुटेबल रहते हैं, और फोर्जेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी की भी इसमें प्रॉपर्टीज रहती है ब्रास के अंदर, तो इस तरह के ब्रास के भी वाल्व हम यूज करते हैं। ब्रास की जैसे अलॉय की बात करें तो कॉपर एंड जिंक का अलॉय होती है ब्रास, जिसको हम पीतल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ कास्ट आयरन लाइनिंग। अब देखिए कास्ट आयरन लाइनिंग देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाल्व तो कास्ट आयरन का ही, बट इस पे एक लेयर लगाई हुई है, लेयर चढ़ाई हुई है जिसको हम नायलॉन लाइनिंग या फिर इपॉक्सी लाइनिंग भी कहते हैं। जैसे नायलॉन 11 एंड इपॉक्सी रीजंस आर पाउडर कोटेड ऑन द इनर और आउटर सरफेस ऑफ एन आयरन वाल्व। ये जो आयरन के जो वाल्व होते हैं इनके इनर एंड आउटर सरफेस पे एक लेयर जलाई जाती है नायलॉन की या फिर इपॉक्सी रीजंस जो पाउडर कोटेड होती है उसकी लेयर बनाई जाती है, और इससे क्या होता है ये रस्ट यानी जंग क्रोजन को से प्रिवेंट करते हैं। और ये ज्यादातर जो इस तरह के जो वाल्व होते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर की जो यानी पीने के जो पानी की सप्लाईज वगैरह होती है वहां पर हम इस तरह के वाल्व को ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें और कोई भी पीने के पानी में कोई भी एक्स्ट्रा जो केमिकल्स है या कुछ रस्ट वगैरह है, मतलब हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए हम ज्यादातर इस तरह के वाल्व का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज अ कास्ट स्टील। आप देख सकते हैं ये कास्ट स्टील। कास्ट स्टील के जो वाल्व होते हैं ये ज्यादा सुटेबल होते हैं जहां पर हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का एप्लीकेशंस है, तो वहां पर हम मोस्ट ऑफ थिंग्स में कास्ट स्टील के ही वाल्व का प्रयोग करते हैं। कॉमनली यूज फॉर पाइपलाइनिंग इन ऑयल फील्ड्स की जो है या फिर रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल हैं, प्रोसेस प्लांट्स हैं, तो उन सभी जगह पे हम कास्ट स्टील के जैसे वाल्व का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज अ स्पेशल अलॉय स्टील। स्पेशल अलॉय स्टील ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, कितना हमें हाई प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अलॉय को सिलेक्ट करते हैं और उसी को फिर उसमें से सिलेक्ट करके क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्पेशली डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो वो हम अलग अलग स्पेशली अलॉय स्टील जो रहती है उसको हम मेटेरियल के भी वाल्व कई जगह यूज
करते हैं। तो ये कंप्लीट मटेरियल स्ट्रक्चर है कि वाल्व हम किस किस मटेरियल के यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ वाल्व। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाल्व जो है, वाल्व क्या है, बहुत अलग अलग तरह के वाल्व हम यूज करते हैं। तो हम इनको हमने तीन कैटेगरी में मेनली बेस्ड ऑन मैकेनिकल मोशन की बात करें तो हमने इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज अ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जैसे आप यहाँ पे देखिए लीनियर मोशन है। सेकंड वन इज अ रोटरी मोशन। थर्ड वन इज अ क्वार्टर टर्न मोशन। सो लीनियर मोशन क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन देखिए, जब जैसे देखिए यहाँ पर वाल्व की जो कंट्रोलिंग स्टॉप एंड रोकना और फ्लो को जो हमें फ्लो कराना है या फिर स्टॉप करना है तो उसके लिए देखिए मूव इन अ स्ट्रेट लाइन टू अलाउ। ये देखिए स्ट्रेट लाइन में ही उसको फ्लो को स्टॉप किया जा रहा है, फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें हम जो स्ट्रेट लाइन में भी प्रयोग किया जा रहा है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, डायफ्राम, पिंच एंड लिफ्ट चेक वाल्व, तो ये सभी वाल्व इसमें जो मोशन है एक स्ट्रेट लाइन में इसमें कंट्रोल किया जाता है फ्लो को, तो इसको हम इससे लीनियर मोशन वाल्व में कहते हैं। नेक्स्ट इज रोटरी। अब देखिए यार रोटरी मोशन है, रोटरी मोशन में क्या होता है, व्हेन द वाल्व क्लोजन मेंबर ट्रेवल अलोंग एंगुलर और सर्कुलर पाथ। हम इसमें जो रोटरी मोशन एंगुलर किसी एंगल पे हम उसको ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं तो वो क्या है, रोटरी मोशन है। रोटरी मोशन मीन्स रोटरी एंगल पे क्लोज कर रहे हैं और एंगल पे उसको ओपन बंद कर रहे हैं, तो इस तरह के जो मोशन में जो वाल्व वर्किंग करते हैं उसको फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको लिए हम ये रोटरी मोशन वाल्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो बटरफ्लाई वाल्व, प्लग, इसेंट्रिक एंड स्विंग चेक वाल्व वगैरह भी हम इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अ क्वार्टर टर्न। क्वार्टर टर्न सम रोटरी मोशन वाल्व रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली अ क्वार्टर टर्न 0 to 90 degrees। फॉर एग्जाम्पल अ वाल्व जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सिर्फ हमें कंप्लीट रोटेशन या कंप्लीट नहीं सिर्फ 0 to 90 degrees के ही मोशन में वो कंप्लीट ओपन होते हैं और कंप्लीट क्लोज हो जाते हैं, तो उसके लिए हम ये क्वार्टर टर्न वाल्व भी यूज करते हैं। तो आप इस एक टेबल के थ्रू इन सभी जो मोस्ट ऑफ थिंग्स जो हम ज्यादातर वाल्व यूज करते हैं उसको हमने इस टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है और यहाँ से आप देख सकते हैं सभी जैसे गेट वाल्व है वो किसमें लीनियर मोशंस में है या रोटरी मोशंस में नहीं होते और एक क्वार्टर टर्न भी नहीं होते। इसी तरह से सभी वाल्व का यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है कि कौन से वाल्व जो है वो लीनियर मोशंस में है, रोटरी मोशंस में या फिर क्वार्टर टर्न मोशंस में है। सो आप इस टेबल को फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ फंक्शंस। अब फंक्शंस के अकॉर्डिंग अब फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में हम आइसोलेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए, रिलीफ वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, स्पेशल पर्पज के वाल्व, तो काफी तरह के वाल्व हम अलग अलग तरह के वाल्व बेस्ड ऑन अ फंक्शन एंड बेस्ड ऑन अ रिक्वायरमेंट वी कैन यूज इन अवर इंडस्ट्री और इन ऑल दैट। सो कभी अलग अलग तरह से हम आइसोलेशन में वाल्व की अगर हम आइसोलेशन की बात करें तो गेट वाल्व, वाल वाल्व, प्लग, पिस्टन, डायफ्राम, बटरफ्लाई, रेगुलेशन की बात करें ग्लोब, निडल, बटरफ्लाई, डायफ्राम, वाल्व, प्लग एंड अगर हम रिलीफ वाल्व की बात करें प्रेशर रिलीफ वाल्व, वैक्यूम रिलीफ वाल्व, नॉन रिटर्न की वाल्व करें स्विंग चेक वाल्व, लिफ्ट चेक वाल्व एंड स्पेशल पर्पज की बात करें तो मल्टी पोर्ट वाल्व, फ्लोट वाल्व, फुट वाल्व, नाइफ गेट वाल्व एंड यूनिब्लाइंड वाल्व, तो इस तरह के अलग अलग तरह बेस्ड ऑन फंक्शंस तो अलग अलग तरह के वाल्व्स होते हैं गाइस। इस पर टाइप्स ऑफ वाल्व्स जो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अलग से एक सेपरेट, उसमें सभी तरह के वाल्व्स की वर्किंग और उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो बताएंगे। तो गाइस मुझे कमेंट्स कीजिए इसमें से आप किस वाल्व के बारे में ज्यादा पहले सीखना चाहेंगे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस ये तो था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वाल्व की वाल्व क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या मटेरियल्स होते हैं, कहाँ फंक्शन ना उसकी फंक्शनिंग क्या है, क्लासिफिकेशंस, तो ये कंप्लीट हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।